आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। में बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय जनता दल ने जो है जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर के ऊपर जो काफी पलटवार किया दोस्तों, ये पेपर भी निकाला है उनके ऊपर, उस जन स्वराज के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर, और क्या कुछ कहा दोस्तों मैं पढ़ के बताने वाला हूँ राष्ट्रीय जनता दल का क्या कहना है दोस्तों। आप ये देख सकते साइड में किशोर, ये जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो निकाले हैं दोस्तों, जगदानंद सिंह से कहना है कि दोस्तों जन स्वराज पार्टी जो है, ये पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर जो है भाजपा के बी टीम है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि सभी जिलों और सभी ब्लॉक में जो है वहाँ पे जन स्वराज में लोग शामिल हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जो RJD के लोग हैं, वो अब जो है शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों काफ़ी चिंता जताया है और कहा है कि जो है ये जो है राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करने की साजिश है, यानी लालू प्रसाद की पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश है, और प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है इस तरह से वो कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है RJD के तरफ से दोस्तों, जो है बहुत बड़ा आरोप जो है प्रशांत किशोर के ऊपर और उनके जो पार्टी है जन स्वराज के ऊपर जो लगाया है दोस्तों। दोस्तों ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि प्रशांत किशोर के ऊपर जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह जो है लिस्ट निकाल कर कहा है कि ये जो है पार्टी को कमजोर करने के लिए, प्रशांत किशोर जो है RJD को कमजोर करने के लिए और BJP को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और उनके जो लोग हैं RJD के लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हर जिले में हर ब्लॉक में जो है उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी और लोगों को चेताया है, लोगों से कहा है, अपील किया है कि ऐसे नेता के साथ में ना जुटें जो भाजपा के बी टीम है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है नहीं है या अकेले लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आपको मालूम होगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।